ब्रज क्षेत्र में शिक्षा कायाकल्प के उद्देश्य से अब शिक्षा विभाग पर भी गोद नीति लागू कर दी गई है, जिसके तहत शुक्रवार को मथुरा में समाज सेवी संस्थाओं द्वारा सैकड़ों विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों को मोटिवेशनल कार्यशाला का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि जब शिक्षा प्रणाली को बेहतर और सुंदर बनाने का कोई तरीका नहीं सूझा तो समाज सेवी ने विद्यालय को गोद योजना बनाई, जिसमें समाज सेवी संस्थाएं एवं सक्रिय समाज सेवी विद्यालयों को गोद लेंगे और उनके रखरखाव एवं कार्यप्रणाली की देखरेख करेंगे ताकि ब्रज की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और सुंदर बनाया जा सके। इसी क्रम में शुक्रवार को जनपद मथुरा में समाज सेवी संस्थाओं द्वारा 140 विद्यालय गोद लिए गए, जिनमें शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गोद लिए विद्यालयों के प्रधानाचार्य की एक नेतृत्व विकास कार्यशाला आयोजित की गई। मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान में आयोजित ये कार्यशाला, जिसमें गोद लिए गए विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया और मोटिवेशनल स्पीच का लाभ लिया। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए अनुज गर्ग ने बताया कि जो आदमी जिद्दी होता है वह अपने जीवन में कुछ कर पाता है। इस मौके पर जिलाधिकारी आगरा के साथ साथ जिले के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बिस्करी ब्रज क्षेत्र का ये शिक्षा कायाकल्प एक संकल्प है जो किसी भी राजनीति उससे दूर हटकर समाज सेवियों द्वारा निस्वार्थ भाव से लिया गया है। इसमें ब्रज क्षेत्र के वो लोग इन्वॉल्व हैं जो चाहे मथुरा से बाहर निकलकर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ते उद्योगपति बने, कुछ और नए नए फील्ड्स में गए। उन लोगों ने मन में सोचा कि हमारी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने मातृभूमि के लिए, ब्रज के लिए, तो उन्होंने संकल्पित होकर ये संकल्प लिया एकत्रित होकर कि क्यों ना हम ब्रज क्षेत्र में ऐसी शिक्षा की एक नई अलग जगहें जिससे कि विश्वभर में और भारतवर्ष में आने वाले समय में एक नया उदाहरण प्रस्तुत हो, उसी उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने से पहले ही पूर्व में ही मैं आपको बता दूँ कि लगभग 140 विद्यालय विभिन्न समाज सेवियों ने और जन कल्याण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से गोद लिए हैं और वो उसके लिए कार्य करना उन्होंने प्रारंभ भी कर दिया है। और इसको हम किसी भी उसमें नहीं ले जाना चाहते, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद जो है वो यही है कि पहले शिक्षा का स्तर ठीक हो। शिक्षा का स्तर ठीक होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ जो संसाधन है, स्कूलों की जो दुर्दशा है उसको ठीक किया जाए, तो उसके लिए बिल्डिंग ठीक होनी चाहिए, बच्चों के क्लासरूम साफ़ सुथरे होने चाहिए, उनके पानी के पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, तो जो बेसिक नीड्स हैं उनको हम लोग सब निस्वार्थ भाव से पूरा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ हमने जो प्रधानाचार्यों का यहाँ ये जो सम्मेलन बुलाया है उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रधानाचार्यों से हम ये उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो लोग इस संकल्प में हमारे को सहयोग करें। और अगर बिल्डिंग ठीक हो जाएगी तो बिल्डिंग ठीक होना से सॉल्यूशन नहीं है, बिल्डिंग ठीक होने के बाद एक सबसे बड़ा है कि शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा। बिल्डिंग ठीक होने के बाद अगर प्रधानाचार्य थोड़े से मोटिवेट होंगे, वो अपने अध्यापकों को मोटिवेट करेंगे, फिर अध्यापक बच्चों को मोटिवेट करेंगे, और फिर ये एक बड़ा संकल्प है, बड़ा यज्ञ है, आसानी से तो सब काम पूरे नहीं होते और उसका एक छोटा सा पार्ट में भी है और हम इसी मकसद से आगे ऐसे मॉडल विकसित करेंगे। कोई मॉडल सैंपल पीस के रूप में कब तक आ जाएगा? मुझे उम्मीद है 26 जनवरी इस बार की जो आएगी वो ब्रज क्षेत्र में एक बहुत अच्छी 26 जनवरी आएगी और लगभग सभी सरकारी स्कूलों में 26 जनवरी तक काफ़ी कुछ कार्य हो जाएगा और उसमें अच्छे सभी के सारे स्कूल सर सरकारी हैं। मैंने दो स्कूल लिए हैं, मैंने बलसाने के दो स्कूल लिए हैं, प्राथमिक विद्यालय बलसाना राधा रानी की नगरी में मैंने बलसाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सर।